हमको घर चाहिए, मकान। स्त्रियां अपने पति से ही कहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे मकान, कुबेर को बुला लाए, धन के देवता को, बोले सोने का महल बनाओ, इसको बोलते पति। जल्दी मां पार्वती कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन अब शायद उन्हें लगा होगा कि यार एक बढ़िया सा 4-5 BHK बन जाता तो अच्छा था, थोड़ा लॉन वॉन बना लेते, थोड़ा फूल उल लगा लेते, थोड़ा मन में आया होगा ख्याल। हालांकि वो रह नहीं पाई उस सोने के महल में, क्योंकि रावण के पिताजी आए थे घर बोझ कराने और वही मांग लिए। तो जिसके पास रहने को पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन एक आदर्श पति, पत्नी को कष्ट हो गया, हिला दिया पूरा ब्रह्मांड। पत्नी भी वैसी ही है सर, बड़ी महान संस्कृति है सर। हम अमेरिका चले जाते, ठीक है सर, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम लंदन चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम पेरिस चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते। लेकिन भगवान बनने के रास्ते पर कभी नहीं चल पाते सर। हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं, इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसीलिए कहा। इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में, श्रृंखला। आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।